50 से 25 हो गए, तो इसकी प्राइस कहाँ पे गई? $12 पे गई। जब लोगों की ज़रा आंखें खुलने लगी हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसी में कुछ है, बिटकॉइन कुछ है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है बार बार। तीन बार ऐसे हो चुका हुआ है कि बिटकॉइन ने क्लियरली अपनी हार्मिंग के बाद इसकी प्राइसेस बताई हैं। बिटकॉइन हार्विंग कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इफेक्ट करती है बिटकॉइन की प्राइसेस के ऊपर, और बिटकॉइन हार्विंग एक्चुअल में है क्या, आया कि इसकी कोई हिस्टोरिकल पैटर्न है, अगर है तो वो क्या है, और बिटकॉइन की हार्विंग वो एक ऑब्वियस चीज़ है जिससे आप पैसा बना सकते हैं, हर बंदा इस बारे में बात करता है बिटकॉइन हार्विंग के बाद इसकी प्राइस ऊपर जाती है, तो वो 100% गारंटी है, क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो तो गलत होती है। कैसे कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे कब बनेंगे और कब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी? आया कि बिटकॉइन की हार्विंग वाकई ट्रू है? चलें इस बारे में जानते हैं, बिटकॉइन हार्विंग है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इन्होंने काउंटडाउन बनाया हुआ है, हर बंदे की नज़र टिकी हुई है इस काउंटडाउन के ऊपर। 88 डेज रह गए हैं, 12,812 ब्लॉक्स रिमेनिंग है हार्विंग से पहले। हार्विंग में क्या होगा दोस्तों? हार्विंग में होता क्या है कि एक ब्लॉक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है, एक ब्लॉक के अंदर जो कॉइन्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं। अब होता क्या है, 2012 में सबसे पहली हार्विंग हुई बिटकॉइन माइनर्स। एक कंप्यूटर का जाल है जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा होता है। अब जो ट्रांजैक्शन, सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने के बाद वो जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, वो उन कंप्यूटर्स को, उन नोड्स को रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड क्या करता है? ब्लॉक्स ऑफ बिटकॉइंस। अब एक ब्लॉक में शुरू में क्या होते थे, 50 बिटकॉइंस होते थे। जब भी एक ब्लॉक मिला खुश हो गए, उसमें 50 बिटकॉइंस होते थे। लेकिन 2012 जब आया 210,000 ब्लॉक्स प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद क्या हुआ, नेटवर्क ने जाके इनकी कमर तोड़ दी, नेटवर्क ने उसका जो मुनाफा था वो आधा कर दिया। उसने कहा रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, ठीक है, उसका कॉइन का जो है ना वो आधा कर दिया रिवॉर्ड। पहले 50 ब्लॉक्स मिल रहे थे 2009 से 12 तक, जब 2012 आया 25 ब्लॉक कर दिए, सॉरी 25 कॉइन्स कर दिए पर ब्लॉक। फिर 2016 आया तो फिर हार्विंग हुई। अब हार्विंग होती कब है, जब 210,000 ब्लॉक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड को आधा कर देता है। यहाँ पे देखें 2016 में 210,000 और ब्लॉक्स प्रोड्यूस हो गए थे। अब एक ब्लॉक के ऊपर जहाँ पे पहले 50 मिल रहे थे वहाँ पे उन्होंने 12.5 कॉइन्स करने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि सप्लाई तो कम होती गई टाइम टू टाइम, और उसकी जो डिमांड है वो सेम है। इवन की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों को आइडिया होता जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की इम्प्लीकेशन क्या है एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल। तो दोस्तों क्लियर है, जब भी कोई चीज़, कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो इम्पॉर्टेंट है और वो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी सप्लाई कम होती जा रही है, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, 100% ऊपर जाएगी। तो हुआ क्या, 2020 में जाके और पर ब्लॉक पे आपको 6.25 जो है ना कॉइन्स मिलने लगे, तो मार्केट परेशान हो गई। और 2024 में भी सेम होने वाला है, उसमें ब्लॉक मैंने आपको बताया 12,812 ब्लॉक्स रहते हैं, उसके बाद भी वही चीज़ होगी, 6.25 कॉइन्स के बजाय अब एक ब्लॉक में 3.125 कॉइन्स होंगे। एक ब्लॉक में जहां पे 50 मिला करते थे वहां पे 3 कॉइन मिलेंगे आपको। तो देखें ETF अप्रूव हो चुका हुआ है, ग्रे स्केल और जो है ना ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी कंपनीज आर्क इन्वेस्टमेंट्स जो है ना ETF अप्रूव करवा चुकी हैं। USA स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन, और उस वक्त उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो इमेजिन करें डिमांड कितनी है। लीगल, इलीगल, पहले तो ये सोचते थे क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, ये स्टूपिड है, ये है वो है, अब तो कोई बंदा इसके बारे में अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, ये 100% लेजिट है, एक लीगल चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसेट है जिसको पूरी दुनिया मानती है, USA मानता है, और उस वक्त हर बंदा इसमें आ रहा है, तो इसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, उसकी सप्लाई कम हो रही है। 2024 की जो हार्विंग होगी इट विल बी क्रेजी। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं हम इसकी हिस्ट्री। जो पहली हार्विंग हुई इसकी 2012 में हुई, 2010 ब्लॉक्स, 10,000 ब्लॉक्स इसके प्रोड्यूस हो गए, BTC वहाँ से 50 से 25 हो गए, तो इसकी प्राइस कहाँ पे गई, $12 पे गई। उसके बाद देखें 2016 में 680, फिर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हार्विंग में 8,500,
फिर नेक्स्ट हार्विंग में आपको पता है क्या है। अब देखिए हार्विंग साइकिल में प्राइस जो शफल हो रही थी, अप डाउन हो रही थी, लो एंड हाई, लोएस्ट 12 थी और हाईएस्ट 1000 पे गई है। फिर उसके बाद सेकंड हार्विंग में 535 पे 19400 पे गई है। लास्ट जो हार्विंग गुजरी है 2020 वाली, जब लोगों की ज़रा आंखें खुलने लगी हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसी में कुछ है, बिटकॉइन कुछ है, उस वक्त ये देखें 8500 मिनिमम से 67000 पर बिटकॉइन पे चली गई है। और आप यहाँ से गेस करें जो फोर्थ हार्विंग आने वाली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस हार्विंग के ऊपर देखें क्या होने वाला है। यहाँ पे भी आपने प्राइस देख ली कितनी जंप की, यहाँ पे प्राइस अब आप खुद प्रिडिक्ट कर लें 67000 के ऊपर जा चुकी है पिछली हार्विंग में, जबकि रिवॉर्ड था 6.25, अब रिवॉर्ड हो जाएगा 3.125 और ETF भी अप्रूव हो चुका हुआ है। तो इस हार्विंग के बाद इसकी प्राइस कहाँ जाने वाली है दोस्तों, 2024 के एंड के ऊपर इट्स गोना गो क्रेजी। एंड यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि डिमांड और सप्लाई है, और यहाँ पे आपको ये भी पता लग गया कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है बार बार, तीन बार ऐसे हो चुका हुआ है कि बिटकॉइन ने क्लियरली अपनी हार्विंग के बाद इसकी प्राइसेस बताई हैं। सबसे पहली बात कि हार्विंग होती क्या है, सेम एफर्ट करने के बावजूद, सेम हार्डवर्क करने के बावजूद रिवॉर्ड क्या होता है, कम हो आधा हो जाता है, प्रोडक्शन आधी हो जाती है। सतोशी नाकामोटो जिसने ये जो है ना ब्लॉकचेन बनाई, जिसने स्टार्ट किया बिटकॉइन, उसने ये क्यों किया, वो इसलिए किया कि टाइम टू टाइम बिटकॉइन की जो है ना स्कार्सिटी बढ़े, बिटकॉइन जो है ना एक यूनिक चीज़ बन जाए, ये ना हो कि सारे आ जाए मार्केट में पड़े हों फिर इधर उधर, इसकी जो डिमांड ओवर द टाइम वो बढ़ती रहे और जब तक लोगों को समझ आए आएगी। अब देखें 21 मिलियन टोटल होने हैं, लेकिन वो भी स्लोली स्लोली रिलीज होंगे, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो वो ऐसे आपको नहीं मिल जाने वाले, और ये ऐसा नेटवर्क है जो हैक भी नहीं हो सकता है। क्लियरली आइडेंटिफाई है कि आप अगर इसमें हार्विंग से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी प्राइस ऊपर जाती है, एंड इन द फ्यूचर इसकी प्राइस मिलियंस में जाएगी, एंड देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इसने प्रूव किया है, इसने टेस्ट ऑफ टाइम देखा है, प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो टेस्ट ऑफ जो टाइम की जो मुश्किलात की अप डाउन होते हैं, इसने टाइम फेस किया, अपने आप को प्रूव किया ओवर अ डेकेड, इवन मोर देन अ डेकेड। तो हार्विंग के बाद और कॉइन्स के ऊपर इफेक्ट कैसे आता है ये आपको बताते हैं दोस्तों। जबकि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने बुनियाद रखी क्रिप्टो करेंसी की, इन जनरल जब हार्विंग होती है बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है तो लोग बिटकॉइन में तो पैसे इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 गुना 3 गुना या 4 गुना कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी मार्केट कैप कम मार्केट कैप के जो कॉइन्स होते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे 777 बिलियन है, तो छोटी मार्केट कैप जो होती है जिनमें 10 बिलियन 20 बिलियन 30 बिलियन होते हैं, वहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट अच्छा होता है, उनका विजन अच्छा होता है, उनका वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो होता क्या है, उनकी जो चांसेस होते हैं ग्रो करने के वो 5-10 times होते हैं, मतलब अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया तो 1000 तक कर सकते हैं, जबकि बिटकॉइन में अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया तो उसको 200 या 300 कर सकते हैं। तो लोग जो अल्टरनेटिव आर्ट कॉइन होते हैं अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हार्विंग के दौरान ऊपर चले जाते हैं। तो बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तो ये सारी क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है उसको साथ में ऊपर लेके जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आइडिया होगा कि हार्विंग क्या है एंड कैसे इफेक्ट करती है, एंड देर इज़ अ प्रूफ और नॉट। आपने क्लियरली देखा कि हार्विंग इफेक्ट करती है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर और इसका प्रूफ है आपके सामने, तो इस हार्विंग का आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अ बिट टू लेट। यह हार्विंग से फ़ायदा अब भी आपने उठाते, जबकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी 100% लेजिट हो चुकी है, USA में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है और पूरी दुनिया इसको अब मानती है। इट इज़ नो मोर आ जस्ट यू नो कंप्यूटर नर्ड्स थिंग, इट्स नाउ समथिंग लेजिट। तो आई वुड सजेस्ट गेट इनटू इट बिफोर इट इज़ टू लेट। आई होप दिस वीडियो हैव एडेड वैल्यू टू योर लाइफ एंड टू योर एंड एडेड सम नॉलेज टू यू। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।